दोस्तों, जम्मू और कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस स्टेट को हमेशा से ही एक आतंकी राज्य के तौर पर देखा जाता है। इस स्टेट की कैपिटल यानी श्रीनगर लंबे समय से टेररिज्म का शिकार रही है और धीरे धीरे ये टेररिज्म इस स्टेट के हर एक हिस्से तक फैल गया और ये आतंकवाद देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हर साल 21 मई को आतंक विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं कश्मीर घाटी में फैले इस आतंक का सबसे बुरा असर इस स्टेट के पंडितों पर पड़ा और टेररिज्म के चलते ही स्टेट के पंडितों को ये स्टेट छोड़ना पड़ा, जिसके कारण आज इस टाइम घाटी में कश्मीरी पंडितों का नामो निशान खत्म हो चुका है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए व्यवहार को बॉलीवुड की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। ये मूवी रिलीज होने से पहले काफी ज्यादा डिस्प्यूट में थी और रिलीज होने के बाद इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कश्मीरी पंडितों का असली इतिहास क्या रहा है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, आजादी से पहले कश्मीर एक बहुत ही सुंदर जगह होने के साथ साथ एक शांतिपूर्ण जगह भी हुआ करती थी और यहाँ की अधिकतर आबादी कश्मीरी पंडितों की थी। इस जगह पर दूसरे देशों के कई मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण किया था और यहाँ पर राज भी किया था, लेकिन इन सब के दौरान भी यहाँ पर शांति बरकरार रही। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों की उस समय अलग अलग कैटेगरीज हुआ करती थी। इन कैटेगरीज के बेस पर इन पंडितों के अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं हुआ करती थी। कश्मीरी पंडित दो तरह के होते थे, जिनमें से पहली कैटेगरी वाले पंडित को बनमासी कहा जाता था। इस कैटेगरी में उन पंडितों को गिना जाता था जो मुस्लिम राजाओं के शासन के दौरान घाटी छोड़कर चले गए थे और बाद में वापस आकर यहाँ पर फिर से बस गए थे। वहीं दूसरी कैटेगरी के पंडित को मलमासी कहा जाता है। इस कैटेगरी में उन पंडितों को रखा जाता था जिन्होंने लाख दिक्कतों के बाद भी घाटी को नहीं छोड़ा। इसके अलावा जिन पंडितों ने इस घाटी में बिजनेस करना शुरू कर दिया था उन्हें बुहिर पंडित कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद इन पंडितों का नामो निशान इस जगह से खत्म होता गया और ये जन्नत आतंकवाद का शिकार हो गई। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर पर सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोगों का ही हक मानते थे, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले अदर धर्म के लोगों के लिए इस जन्नत में रहना नरक बन गया था। आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को उनका धर्म बदलने के लिए उन पर प्रेशर डालने लगे। वो कहते थे कश्मीर में रहने वाले पंडित मुस्लिम धर्म को अपना लें, जिससे कि इस घाटी में सिर्फ मुसलमानों का ही हक रहे। जिन कश्मीरी पंडितों ने आतंकवादियों की बात को मान लिया और अपना धर्म बदल लिया उन्हें यहाँ पर रहने दिया गया, लेकिन जिन पंडितों ने अपना धर्म नहीं बदला और इस घाटी को नहीं छोड़ने का फैसला किया था उन पर काफी सारे अत्याचार किए गए, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों ने साल 1990 में इस स्टेट को पूरी तरह से छोड़ दिया और भारत के अदर स्टेट्स में जाकर बस गए। दोस्तों, 19 जनवरी 1990 को वो दिन माना जाता है जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ने का फरमान जारी हुआ था। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग तो 1947 से ही जारी है, पर कश्मीर में लोकल स्थिति इतनी खराब नहीं थी। काफी सारी कहानियां हैं कश्मीरी मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के प्यार की, पर 1980 के बाद माहौल बदलने लगा था। रशिया अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर चुका था, अमेरिका उसे वहां से निकालने की फिराक में था, लिहाजा अफगानिस्तान के लोगों को मुजाहिदीन बनाया गया। ये लोग बगैर जान की परवाह किए रशिया के सैनिकों को मारना चाहते थे। इसमें सबसे पहले वो लोग शामिल हुए जो अफगानिस्तान की जनता के लिए पहले से ही प्रॉब्लम थे, वो क्रूर वैश्य और क्रिमिनल लोग। इन सबकी ट्रेनिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में होने लगी। इसके बाद आसपास के लोगों से भी इनका कॉन्टैक्ट शुरू हुआ। इनसे जुड़े वो लोग जो पहले से ही कश्मीर के लिए प्रॉब्लम बने थे वो क्रिमिनल लोग, उन सबको इंस्पिरेशन मिला और इनकी इंस्पिरेशन का मेन कारण थे पाकिस्तान के शासक जनरल जिया। इसके अलावा इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी पाकिस्तान के रिटायर्ड अफसर्स के द्वारा। जब इन क्रिमिनल लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की तो उनकी जद में बाकी मुसलमान भी आ गए। कई जगहों पर बेकसूर लोग भी फंस गए। अब धर्म के ठेकेदारों को मौका मिल गया। वो कहने लगे कि हम पहले से ही कहते थे कि कश्मीरी काफिर हमारे दुश्मन हैं, इन्हें यहाँ रहने ना दिया जाए। कश्मीर में पंडित कभी भी 5% से ज्यादा नहीं थे, हालांकि कई जगह पर क्लेम किया जाता है कि कुछ इलाकों में ये 15-20% तक हुआ करते थे। पर यह जरूर था कि पुलिस और प्रशासन में कश्मीरी पंडित ठीक ठाक नंबर्स में थे। ज्यादातर कश्मीरी पंडित जज, डॉक्टर, प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट या और भी कई बड़ी पोस्ट पर नजर आते थे। तो अब धर्म के अंधे लोगों को आसानी से टारगेट मिल गया। चोर और क्रिमिनल तो ये लोग पहले से ही थे, अब इनको वजह भी मिल गई और ये सबको रेडिकलाइज करने लगे। जिस जगह में कश्मीरी पंडित सदियों से रह रहे थे उनको घर छोड़ने के लिए कहा जाने लगा। पहले तो आसपास के लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं, आपको नहीं जाना है, पर बाद में कुछ तो डर और कुछ अपनी यूनिटी की भावना से कहा जाने लगा कि बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि बसों में ब्लास्ट होने लगे थे, यूं ही गोलियां चलने लगी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पंडित ही मरते थे, मुस्लिम
मुस्लिम भी मरते थे, पर धर्म की आग इतनी तेज थी कि उनके मरने की आवाज आतंकियों ने दबा दी और हर जगह यही धुन थी कि पंडितों को यहाँ से बाहर भेज देना है। सरकार ने इस आग में घी डालने का काम किया। 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपनी बहनोई फारूक अब्दुल्ला से पावर छीन ली और जम्मू और कश्मीर के सीएम बन गए। खुद को सही ठहराने के लिए उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फैसला लिया। ऐलान हुआ कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटरिएट एरिया में पुराने मंदिर को गिराकर एक शाही मस्जिद बनवाई जाएगी। तो लोगों ने फिर प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं होगा। जवाब में कट्टरपंथियों ने नारा दिया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद कश्मीरी पंडितों पर धावा बोल दिया गया। साउथ कश्मीर और सोपोर में सबसे ज्यादा हमले हुए। जोर इस बात पर रहता था कि उनकी प्रॉपर्टी लूट ली जाए। हत्याएं और रेप तो बाय प्रोडक्ट के रूप में की जाती थी। नतीजन 12 मार्च 1986 को गवर्नर जगमोहन ने शाह की सरकार को दंगे न रोक पाने की नाकामी के चलते बर्खास्त कर दिया। 1987 में इलेक्शन हुए और कट्टरपंथी हार गए। ये आखिरी मौका था जब वहाँ के समाज को अच्छे से पढ़ा जा सकता था। वही मौका था जब बहुत कुछ ठीक किया जा सकता था, क्योंकि इलेक्शन में कट्टरपंथ का हारना इस बात का सबूत है कि जनता अभी भी शांति चाहती है। पर कट्टरपंथियों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, हर बात को इससे जोड़ दिया कि इस्लाम खतरे में है। जुलाई 1988 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना और इनका मेन मोटिव था कश्मीर को भारत से अलग करना। कश्मीरियत अब सिर्फ मुसलमानों की रह गई, पंडितों की कश्मीरियत को भुला दिया गया। 14 सितंबर 1989 को भाजपा के नेता पंडित टीका लाल टपलू का मर्डर कर दिया गया और उनका मर्डर सबके सामने हुआ और जिन लोगों ने उन्हें मारा वो आज तक पकड़े नहीं गए। ये कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाने के लिए पहली हत्या थी। इसके 1.5 महीने बाद रिटायर्ड जल नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया गया और वो कभी नहीं मिली। वकील प्रेमनाथ भट्ट को मार दिया गया। इसके बाद एक कश्मीरी जर्नलिस्ट लासा कौल को मार दिया गया। ये तो बड़े लोग थे, जो साधारण लोग थे उनकी हत्या की गिनती। इसी दौरान जुलाई से नवंबर 1988 के बीच 70 क्रिमिनल्स जेल से रिहा भी किए गए। लेकिन क्यों, इसका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने कभी नहीं दिया। 4 जनवरी 1990 को उर्दू अखबार आफ्ताब में हिजबुल मुजाहिदीन ने ये छपवाया कि सारे कश्मीरी पंडित घाटी को छोड़ दें। अखबार अल सफा ने इस चीज को दोबारा छापा। चौराहों और मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाकर कहा जाने लगा कि पंडित यहां से चले जाएं, नहीं तो बुरा होगा। इसके बाद लोग लगातार हत्याएं और रेप करने लगे। कहने लगे, पंडितों यहां से भाग जाओ और अपनी औरतों को यहीं छोड़ दो। इस तरह के बहुत सारे किस्से, बहुत सी कहानियां, अलग अलग लोग आज भी अपनी दास्तां बताते हैं। सरकार के नंबर्स के अकॉर्डिंग साल 1990 तक कश्मीर में लगभग 1,70,000 पंडित रहते थे, लेकिन कहा जाता है कि रियलिटी में यह आंकड़ा काफी ज्यादा था। घाटी में करीब 3,00,000 के आसपास कश्मीरी पंडित रहा करते थे। वहीं अब इस वक्त घाटी में कश्मीरी पंडितों की संख्या सिर्फ 4,000 तक रह गई है। गवर्नमेंट के स्टैट्स के अकॉर्डिंग कश्मीर में साल 1990 में करीब 300 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर जो किताबें लिखी गई हैं उन किताबों के अकॉर्डिंग हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडित मारे गए थे। इस टाइम कश्मीर में ना के बराबर कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, लेकिन सरकार दोबारा से घाटी में इन्हें बसाने की कोशिशों में लगी हुई है। साल 2008 में यूपीए की गवर्नमेंट ने इन्हें दोबारा से बसाने के लिए 1,168 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था, जिसके बाद करीब 1,000 की संख्या में कश्मीरी पंडित वापस से घाटी में आकर बसे हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ साल 1990 में जो हुआ था उस पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं और इन किताबों में इनके इतिहास और इन पर हुए अत्याचारों का जिक्र है। इन पर लिखी गई एक फेमस बुक माय फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर है। इसके अलावा कल्चर एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और ओवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स भी है, जिसे राहुल पंडिता ने लिखा है, जो कि खुद एक कश्मीरी पंडित है। इन्होंने इस बुक में अपने परिवार की कहानी के माध्यम से कश्मीरी पंडित पर हुए अत्याचारों की कहानी बताई है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के साथ हमारे देश में काफी अन्याय हुए हैं और सरकार अब इन पंडितों को वापस से इनका हक दिलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी इन पंडितों के साथ हुए अन्याय को भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।